हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू नवांकुर डिजी लेसन्स क्लास। मैं सीमा साध सोशल साइंस में एक नया टॉपिक लेकर आपके बीच पुनः उपस्थित हूँ। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है स्थानीय मानचित्र का अध्ययन। तो आज के इस वीडियो में हम मानचित्र के बारे में जानेंगे। तो आइए हम शुरुआत करते हैं मानचित्र से। स्टूडेंट्स, पिछली कक्षाओं में मानचित्र के बारे में कुछ बातें आप जान चुके होंगे, यानी आपने पढ़ी होंगी। आज हम मानचित्र के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा संक्षेप में उन्हें दोहराने की कोशिश करेंगे। तो पृथ्वी या उसके किसी भाग की समतल सतह, कागज आदि पर पैमाने के आधार पर रूढ़ चिन्हों से चित्रण मानचित्र होता है। यानी क्या होता है, पृथ्वी या उसके किसी भाग, यानी ये जो पृथ्वी है जिस पर हम रहते हैं धरातल पर, तो पृथ्वी या उसके किसी भाग की समतल सतह, कागज आदि पर पैमाने के आधार पर रूढ़ चिन्हों के द्वारा मानचित्र, रूढ़ चिन्हों के माध्यम से मानचित्र में धरातल के बारे में बताया जाता है। यानी धरती पर कहाँ कौन सी चीज़ है, यह मानचित्र में रूढ़ चिन्हों के माध्यम से बताया जाता है। उसके बाद फिर धरातल और मानचित्र के बीच के अनुपातिक संबंध को पैमाना या मापक कहते हैं। तो यहाँ पर एक जो शब्द आया है पैमाना या मापक, तो धरातल और मानचित्र के बीच का जो अनुपातिक एक संबंध है, यानी उन दोनों के बीच में, उसे हम पैमाना या मापक कहते हैं। मानचित्र का शीर्ष उत्तर दिशा को दर्शाता है। पुस्तकों में प्रयुक्त मानचित्र छोटे पैमाने के मानचित्र होते हैं। यानी जब भी आप किसी भी बुक में सोशल साइंस या किसी भी जगह का जब आप मानचित्र देखते हैं, कहीं किसी भी देश का, किसी भी महाद्वीप का, किसी भी जगह का नक्शा, तो उसकी जो देखने का जो तरीका होता है वह उत्तर दिशा को मतलब इंगित करता है। यानी जो मानचित्र हमेशा उत्तर दिशा की तरफ से स्टार्ट होता है, उत्तर दिशा से उसको शुरू किया जाता है। ये एक मतलब की फैक्ट है कि मानचित्र चाहे आड़े में बना हो चाहे खड़े में बना हो, लेकिन उसका जो शीर्षक होता है, जो उसका शुरुआत होती है, वह उत्तर दिशा से शुरू की जाती है। उसके सामने की जो दिशा होती है उसको दक्षिण माना जाता है, और फिर इस तरफ पूर्व और पश्चिम। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि मानचित्र का जो शीर्षक है वह हमेशा उत्तर दिशा को दर्शाता है। और पुस्तकों में जो मानचित्र बताए जाते हैं, किताबों में जो मानचित्र दिखाए जाते हैं, वे थोड़े छोटे होते हैं। बाकी जब आप संसार का ग्लोब पर देखें या फिर मार्केट में जो नक्शे होते हैं वो बड़े लेवल के होते हैं, जिनमें थोड़ा सा आपको देखकर समझना आसान होता है। तो इस तरह मानचित्र के लिए हम ये कह सकते हैं कि मानचित्र पर धरातल पर कहाँ कौन सी चीज़ है, इसको समझाया जाता है। और एक मतलब उसके रूट चिन्हों के माध्यम से उसे समझाया जाता है। उसकी जो दिशा होती है जहाँ से नक्शा शुरू किया जाता है वह उत्तर दिशा होती है। उत्तर दिशा में ही जिस भी टॉपिक से संबंधित नक्शा है वह उत्तर दिशा में ही लिखा रहता है। स्थल रूपों की पहचान, यानी कि मानचित्र में हम स्थल मतलब कहाँ कौन सी चीज़ है स्थल पर, उसको कैसे हम पहचान सकते हैं। तो मानचित्र वास्तव में पृथ्वी के धरातल का प्रतिचित्रण है। यानी क्या है, मानचित्र धरातल का प्रतिचित्रण है, मतलब धरती पे कहाँ क्या है उसको मानचित्र के माध्यम से बताने की कोशिश की जाती है। धरातल कहाँ, कहीं पर भी एक जैसा नहीं होता है, कहीं ऊंचा तो कहीं नीचा, कहीं समतल तो कहीं उबड़ खाबड़, इसे ही हम धरातल का उच्चावच कहा मतलब कि कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि मानचित्र पर जो हम धरती के बारे में बताते हैं, मानचित्र वो है समतल होता है, और धरती जो होती है वह एक सी नहीं होती है, कहीं उबड़ होती है, कहीं खावड़ होती है, कहीं ऊंची कहीं नीची, इस तरह धरती कहीं पर भी एक जैसी नहीं, ये आप हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी हम धरती के पर कौन सी चीज़ें कहाँ हैं, कहाँ पर्वत हैं, कहाँ नदियाँ हैं, कहाँ पहाड़ हैं, कहाँ समुद्र है, इन सभी चीज़ों को एक नक्शे पर समझाने की कोशिश करते हैं, बताने की कोशिश करते हैं। रूट चिन्हों के माध्यम से हम उन्हें बताने की कोशिश करते हैं। तो कहीं धरती जो ऊपर नीचे, कहीं उबड़ खाबड़ जो होती है, इसे हम धरातल का या धरती का उच्चावच कहते हैं। यानी कि इसको हम उच्चावच कहते हैं। और ये आप सब जानते हैं कि धरती उबड़ खाबड़ है और नक्शा जो होता है वह
प्लेन कागज पर बनाया जाता है, इसलिए उस पर रूढ़ चिन्हों के माध्यम से धरती पर कौन सी चीज कहाँ है अलग अलग रंगों से उसको दर्शाया जाता है मानचित्र में, ताकि समझ में आसानी से आ सके। मानचित्र चूंकि समतल पटल पर बनाया जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया मानचित्र कैसे बनाया जाता है, मानचित्र का जो पेज होता है जिस पर भी हम चाहे कोई बुक हो या वो कैसी मतलब कि उसका पेज कैसा होता है, समतल होता है, चारों तरफ से एक सा होता है, उसमें उबड़ खाबड़ या ऊपर नीचे वाली कोई बात नहीं होती, कागज चारों तरफ से समतल होता है, इसलिए उस पर ऊंचाई नीचाई को दिखाना कठिन होता है। यानी प्लेन कागज पर धरती कहाँ ऊंची है, कहाँ नीची है, कहाँ उबड़ है, कहाँ खाबड़ है, ये सब उस पर प्रदर्शित करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इस कठिनाइयों को दूर करने के लिए मानचित्र में समोच्च रेखाओं और विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है, यानी ये जो धरती का उबड़ खाबड़ ऊपर नीचे का जो भाग है उसे दिखाने के लिए मानचित्र पर दो विधियाँ यूज़ की जाती हैं, दो विधियों का इस्तेमाल किया जाता है, यानी दो चीज़ों का प्रयोग करके उसको मानचित्र पर दिखाया जाता है ताकि सबको ठीक से समझ में आ सके। तो एक क्या होता है समोच्च रेखाएं और दूसरा होता है रंगों का प्रयोग, यानी रंगों के प्रयोग से और समोच्च रेखाओं के माध्यम से धरती की सभी चीज़ों को नक्शे पर दिखाने की कोशिश की जाती है। धरातल की अन्य बातों को मान्य रूट चिन्हों के द्वारा दर्शाया जाता है, मतलब बाकी चीज़ों को कुछ चीज़ों को रंगों से दर्शाया जाता है, कुछ चीज़ों को रूट चिन्हों से दर्शाया जाता है, कुछ को रेखाओं से दर्शाया जाता है। इस तरह धरती पर कौन सी चीज़ें कहाँ अलग अलग चीज़ों को नक्शे में धरती की अलग अलग चीज़ों को पर्वत पठार मैदान मरुस्थल इन सभी को कहीं रूढ़ चिन्ह के माध्यम से कहीं समोच्च रेखाओं के माध्यम से कहीं रंगों के माध्यम से अलग अलग बनाकर अलग अलग चीज़ों की पहचान बनाकर समझाने की कोशिश की जाती है मानचित्र के माध्यम से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें जो रंग प्रयोग किए जाते हैं कि जैसे कि मैदान हरे रंग से दिखाए जाते हैं, मरुस्थल पीले रंग से दिखाए जाते हैं, पर्वत कत्थई रंग से दिखाए जाते हैं, तो ये रंग विधि कहलाती है। और इसके अलावा नदियों को ऐसे आड़ी टेढ़ी लाइनों के जरिए दिखाया जाता है, पानी को नीले रंग से दर्शाया जाता है, तो ये अलग पहचान के द्वारा धरती पर कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ पर कितनी मतलब फैली हुई हैं कैसी हैं इनको दिखाया जाता है। अब हम जैसा भी आपको मैंने बताया था कि मानचित्र में रंग विधि और समोच्च रेखाओं व रूट चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, तो अब रंग विधि क्या होती है, जैसा कि मैंने आपको भी बता भी दिया है लेकिन मैं फिर उसको बताती हूँ कि धरातल की ऊंचाई नीचाई नापने के लिए समुद्र के जल की सतह को आधार माना जाता है, यानी धरती से कौन सी चीज कितनी ऊंचाई पर है इस ऊंचाई को नापने के लिए मानचित्र में समुद्र के जल को उसका पैमाना माना जाता है। यानी नक्शे में कहीं भी कोई चीज़ दिखाई जाती है या ऊंचाई किसी चीज़ की नापी जाती है तो उसे समुद्र तल उसका आधार माना जाता है। आप कहीं पर भी देख लें समुद्र तल से ही ऊंचाई नापी जाती है। यदि मानचित्र में किसी स्थान की ऊंचाई मान लीजिए 200 मीटर प्रदर्शित की गई है तो उसका तात्पर्य यह है कि यह स्थान समुद्र की सतह से 200 मीटर ऊंचा है। यानी अगर नक्शे में कहीं पर यह लिखा है कि किसी भी पर्वत की ऊंचाई किसी भी जगह की ऊंचाई को पर उसका संख्या लिखी है तो इसका मतलब यह है कि ये जो ऊंचाई है ये समुद्र तल से 200 मीटर ऊंची है, मतलब जितना भी वहाँ पर फिगर लिखा होता है वो समुद्र तल की ऊंचाई से लिया जाता है। ऊंचाई के आधार पर ही पृथ्वी के धरातल के विभिन्न नाम दिए गए हैं, यानी धरती पर आप सभी भी जानते हैं पर्वत पठार नदियाँ समुद्र सभी चीज़ें हैं, लेकिन पर्वत पठार जो धरती की जो तीन आकृतियां हैं पर्वत पठार और मैदान, तो इन्हें इनकी ऊंचाई के आधार पर ही नाम दिए गए हैं। कौन सी चीज़ की ऊंचाई कितनी है उसके आधार पर उसका नाम रखा गया है कि वो पर्वत कहलाएगा, ये मैदान कहलाएगा और ये पठार कहलाएगा। और ये तीनों चीज़ पर्वत पठार मैदान धरती की स्थलाकृतियाँ कहलाती हैं, मतलब धरती पर स्थित आकृतियाँ कहलाती हैं। इन बड़ी स्थल आकृतियों को पहली नज़र में ही समझ लेने के लिए मानचित्र में विभिन्न रंगों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि आपने मैंने बताया अभी आपको मैंने बताया कि
मानचित्र में पर्वत, पठार, मैदान, मरुस्थल सभी अलग अलग रंगों से दर्शाए जाते हैं। तो ये जो अलग अलग रंगों से दर्शाया जाता है इसे ही हम रंग विधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हरा रंग मैदान के लिए, नक्शे में आप देखें नक्शा या मानचित्र एक ही होता है, तो इंग्लिश में इसे हम मैप कहते हैं, हिंदी में हम इसे नक्शा भी कहते हैं, मानचित्र भी कहते हैं। तो जब कभी आप मानचित्र देखें किसी भौतिक विभाग का, किसी भी देश का, किसी महाद्वीप का, तो आप उसमें देखेंगे कि पर्वतों के लिए, पठारों के लिए, मैदान के लिए अलग अलग रंगों का प्रयोग किया गया है। तो वहाँ कौन सी चीज़ किस रंग से दर्शाई जाती है वो नीचे साइड में एक बॉक्स में लिखा भी रहता है। तो जैसे हरा रंग मैदान के लिए, यानी नक्शे में जो मैदान होते हैं, जो नदियों के द्वारा बने होते हैं, उन्हें हरे रंग से दर्शाया जाता है, यानी कि हरे रंग से मानचित्र में मैदान को दर्शाया जाता है। पीला अथवा भूरा रंग पठारों के लिए, अगर कहीं पर पठार हैं तो नक्शे में उन्हें पीले अथवा भूरे रंग से पठारों को दर्शाया जाता है। इसके बाद कत्थई रंग पहाड़ों व ऊंची चोटियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तीन रंग, कत्थई, पीला, भूरा और हरा, इनको मैदान, पर्वत और पठारों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इन तीनों अलग अलग रंगों से अलग अलग चीज़ें दर्शाई जाती हैं। एक बार मैं फिर रिपीट करती हूँ, मैदान के लिए हरा रंग और पठारों के लिए पीला या भूरा रंग यूज़ किया जाता है बताने के लिए नक्शे में, और पहाड़ों के लिए कत्थई रंग से दर्शाया जाता है, पहाड़ या ऊंची चोटियों को कत्थई रंग से नक्शे में दर्शाया जाता है। इससे ये क्या होता है कि अलग से पहचान में आ जाता है, नीचे नक्शे में लिख दिया जाता है कि ये पहाड़ है, ये पर्वत है और ये मैदान है। मानचित्र में आप देखेंगे कि ये रंग कहीं हल्के तो कहीं गहरे, इससे ये समझना चाहिए कि हल्के रंग कम ऊंचाई को और गहरे रंग अधिक ऊंचाई को दर्शाते हैं। यानी आपने कई बार अगर गौर से नक्शा देखा हो तो यह भी नोटिस किया होगा, कहीं पर मैदान काफ़ी गहरे हरे रंग से दर्शाए गए हैं, कहीं पर हल्के हरे रंग से दर्शाए गए हैं। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि मानचित्र में चाहे पर्वत हो, पठार हो, मैदान हो, उनके जो रंग होते हैं हल्के और गहरे होते हैं। तो हल्का अगर किसी का, चाहे मैदान हो, पठार हो, पर्वत है, अगर उसे हल्के रंग से दर्शाया गया है मतलब इसकी ऊंचाई कम है, और यदि मानचित्र में उसे गहरे रंग से दर्शाया गया है मतलब इस पठार की, इस मैदान की या इस पर्वत की ऊंचाई काफ़ी अधिक है। और नक्शे में तो ऊंचाई को लिख भी दिया जाता है कि कितनी ऊंचाई समुद्र तल से उसकी, जैसा इसमें लिखा भी है कि हल्का हरा रंग निचले मैदानी भाग को दर्शाता है, गहरा रंग अधिक ऊंचे मैदानी भाग को दर्शाता है, ऊंचे उठते स्थल भागों का रंग पीला होता जाता है। जैसे जैसे ज़्यादा ऊंचा होगा तो उसके लिए जो पीला रंग है वह भी डार्क होता जाएगा, यानी हरा, कत्थई, पीला, ये तीनों रंग अगर कम गहरे हैं नक्शे में तो मतलब उन स्थानों की दूरी, ऊंचाई कम है, और यदि अधिक ऊंचे गहरे रंग से नक्शे में दर्शाया गया है तो इसका तात्पर्य यह है कि इनकी ऊंचाई काफ़ी अधिक है धरातल से। जबकि ऊंचे पठारी भागों का रंग कैसा होता है, भूरा होता है। जब ऊंचे, ज़्यादा पठारी भाग मतलब यदि कोई से पठार अधिक ऊंचा है तो उसे ज़्यादा गहरे रंग से दर्शाया जाएगा। यही बात पर्वतों के रंगों में भी दिखाई जाती है, एक कम ऊंचे पर्वत, यानी कि जो कम ऊंचे जो पर्वत होते हैं गहरे भूरे रंग के तथा हल्के कत्थई रंग के लिए होते हैं, वहीं ऊंचे पर्वत गहरे कत्थई रंग के लिए, यानी जिस पर्वत की ऊंचाई कम होती है वह हल्का कत्थई रंग से उसे दर्शाया जाता है, और जिस पर्वत की ऊंचाई बहुत अधिक होती है उसे डार्क कत्थई रंग से दर्शाया जाता है नक्शे में। यहाँ पर एक बात और जो ध्यान देने वाली है वो यह है कि पहाड़ों की ऊंची चोटियों की ऊंचाई दिखाने के लिए ऊंचाई संख्या में लिखी होती है। जैसा कि मैं आपको अभी बता भी चुकी हूँ कि पहाड़ जब अधिक ऊंचे होते हैं तो उनकी ऊंचाई को नक्शे में लिख दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे माउंट एवरेस्ट जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट क्या है? माउंट एवरेस्ट आपको पता होगा स्टूडेंट, दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, और ये कहाँ पर है? ये नेपाल देश में आती है। तो माउंट एवरेस्ट के शिखर के स्थान पर 8,848 मीटर लिखा होगा। कितनी है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई? 8,848 मीटर, ये माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। अभी वर्तमान में 86 सेंटीमीटर इसकी ऊंचाई बढ़ भी चुकी है, जो कि बुक में प्रिंट नहीं है। तो इसका तात्पर्य यह है कि यह स्थान समुद्र की सतह से 8,848 मीटर ऊंचा है। यानी ओवरऑल हम ये कह सकते हैं
कि जब किसी पर्वत की ऊंचाई बहुत अधिक होती है तो उसके लिए अधिक मतलब कि चाहे पर्वत हो, चाहे मैदान हो, चाहे पठार हो, अगर वो ज़्यादा गहरे हैं तो उनके लिए गहरे डार्क रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, और यदि वो कम ऊंचाई पर हैं तो उनके लिए हल्के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। और जो भी पर्वत वगैरह होते हैं जिनकी ऊंचाई काफ़ी ज़्यादा होती है, जो चोटियाँ होती हैं, उनके लिए लिख दिया जाता है ताकि बच्चे कन्फ्यूज़ ना हो या समझने वाला कन्फ्यूज़ ना हो। जैसे कि माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है उसके ऊपर लिखा रहता है, और ऊंचाई को हमेशा मीटर में नापा जाता है। और कहाँ से नापा जाता है? समुद्र तल से। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा नोट करने वाली बात है स्टूडेंट, वो क्या है कि ऊंचाई कोई भी हो, नक्शे में हो या इसके अलावा भी कहीं लिखी हो, तो वह हमेशा समुद्र तल से ली जाती है। ऊंचाई का जो पैमाना है वह समुद्र तल को आधार माना गया है, इसलिए समुद्र तल कहीं भी ऊंचाई लिखी होगी तो वह समुद्र तल से लिखी जाती है। जैसे पृथ्वी की धरातल की ऊंचाई उनके रंगों और उनकी हल्की और गहरी होती हुई आभाओं शेड से विचित्र मतलब चित्रित होती है, वैसे ही समुद्र की गहराई भी विभिन्न शेड से दर्शाई जाती है। मानचित्र में नीले रंग से प्रदर्शित किया जाता है, यानी कि आप देखेंगे कि नक्शे में जहाँ कहीं भी पानी होता है, चाहे वह पानी नदी के रूप में हो, झील के रूप में हो या फिर समुद्र के रूप में हो, उसे नीले रंग से दर्शाया जाता है। कौन से रंग से दर्शाया जाता है? नीले रंग से। जहाँ भी आपको मानचित्र में नीला रंग नजर आए तो आप ये समझ जाएं कि यहाँ पर पानी है। अब वह पानी या तो समुद्र होगा तो लिखा होगा कि वह खाड़ी है या समुद्र है, यदि नदी होगी तो वहाँ पर अलग हरे रंगों से दर्शाया जाएगा, और यदि झील होगी तो फिर उसको नीले रंग से दर्शाया जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि पानी नदी समुद्र झील के रूप में है तो उसे नक्शे में नीले रंग से शो किया जाता है, उसे दर्शाया जाता है। समुद्र पानी का जो रंग है इस्तेमाल पहचान के लिए वो नीला यूज़ किया जाता है। नीला रंग पानी का संकेत होता है नक्शे में कहीं पर भी। तो जिस तरह हमने पर्वत पठार और मैदानों के बारे में जाना कि वो जिनकी अलग अलग रंग के आधार पर उनकी ऊंचाई को बताया जाता है कि हल्के हैं या डार्क हैं, तो उसके आधार पर उनकी ऊंचाई को हम समझ सकते हैं। उसी तरीके से समुद्र की गहराई की हम बात कर लें कि अगर जैसे नक्शे में समुद्र भी आपने देखे होंगे, समुद्र भी होते हैं, तो उस समुद्र की गहराई को भी अलग हल्के और गहरे नीले रंग से दर्शाया जाता है। अगर कहीं पर मानचित्र में नीला रंग जैसे मैंने आपको बताया गया है तो ये पानी का तो संकेत है ही, साथ ही स्थल भाग के निकट का समुद्र कम गहरा होने के कारण उसे हल्के नीले रंग से दिखाया जाता है, और समुद्र की गहराई जैसे जैसे बढ़ती जाती है रंग का नीलापन वैसे वैसे गहरा होता जाता है। यानी समुद्र में यदि कहीं अगर कोई भी खाड़ी है, समुद्र है, अगर वह कम गहरा है तो नक्शे में उसे हल्के नीले रंग से दर्शाया जाएगा, और यदि वह अधिक गहरा है तो नक्शे में उसे डार्क नीले रंग से दर्शाया जाता है। समुद्र के गहरे यानी कि खड्डे या खाइयाँ बहुत घने नीले रंग से चित्रित की जाती हैं। यानी जो समुद्र में गहरे खड्डे होते हैं या जो खाइयाँ होती हैं जो समुद्र के अंदर होती हैं, उन्हें नक्शे में बहुत ही डार्क नीले रंग से दर्शाया जाता है यानी दिखाया जाता है। जैसे पर्वत की चोटी की ऊंचाई लिख दी जाती है, वैसे ही सागरी खड की गहराई भी अंकित कर दी जाती है। यानी कि जैसे पर्वत की ऊंचाई कितनी है, किस पर्वत की ऊंचाई कितनी है नक्शे में उसकी ऊंचाई लिख दी जाती है मीटर में, वैसे ही समुद्र में अगर कोई सा समुद्र में कहीं पर गर्त है, खड्डा है, खाई है, तो उसकी गहराई को भी नक्शे में लिख कर दर्शाया जाता है। तो ये नक्शे में जो चीज़ें होती हैं उन्हें कौन से रंग से कैसे समझाया जाता है या कैसे दिखाया जाता है वो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। तो स्टूडेंट्स, मानचित्र में रंगों की विभिन्न आभाओं को देखकर हम एक नज़र में ही स्थल भाग के उच्चावच को जान सकते हैं। धरातल के समतल निचले भाग मैदान ऊंचे उठे, किंतु ऊपर से लगभग समतल भाग पठार तथा आसपास की भूभाग
से बहुत ऊंचे उठे शिखर वाले भाग को हम पहाड़ कहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मानचित्र में रंग विधि और समोच्च रेखाओं के द्वारा नक्शे में कौन सी चीज़ कैसी है इसको समझाने की कोशिश की जाती है। तो रंगों के आधार पर ही हम उसको मतलब कि समझने की कोशिश करते हैं। धरातल के समतल वाले भाग को हम क्या कहते हैं? धरातल के समतल निचले भाग को मैदान कहते हैं। ऊंचे उठे किंतु ऊपर से लगभग समतल भाग को हम पठार कहते हैं। यानी क्या है, जो धरातल से नीचे मतलब हैं और चारों तरफ से एक से हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मैदान है। थोड़े ऊंचे उठे किंतु ऊपर से लगभग, जिनकी धरातल से ऊंचाई है लेकिन ऊपर से वह है कैसे हैं, समतल भाग है, तो उन्हें हम पठार की संज्ञा देते हैं। और अपने आसपास की भूभाग से बहुत ऊंचे उठे शिखर वाले भाग को हम पहाड़ कहते हैं। तो ये इस तरह पठार और पर्वत मैदान की समझाने की कोशिश की जाती है कि हम कौन, मतलब कि इनकी संज्ञाएं दी गई हैं कि कितनी ऊंचाई वाले भाग को पठार, कितनी ऊंचाई वाले भाग को पर्वत और मैदान कहा जाता है। तो तीनों की अलग अलग आकृतियां होती हैं और तीनों की अलग अलग ऊंचाई एक निश्चित की गई है कि इतनी ऊंचे वाले पठार को हम, इतनी ऊंचाई वाले भाग को हम। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करना चाहूँगी कि धरातल का समतल और चारों तरफ से कम ऊंचाई वाला भाग मैदान कहलाता है और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कम 350 मीटर होती है, तो इसे हम मैदान कहते हैं। और इसके अलावा जो पठार है, पठार का वह भाग जो विस्तृत एवं ऊपर से मेज की भांति सपाट हो, मतलब एक सा हो, तथा समुद्र तल से जिसकी ऊंचाई कम से कम 600 मीटर हो या उससे अधिक हो, तो वह उसे हम पठार की संज्ञा देते हैं या पठार कहते हैं, उसे हम पठार के नाम से जानते हैं। इसके अलावा पर्वत, धरातल का वह भाग जो अपने आसपास के भाग से अत्यधिक ऊंचा हो, मतलब अपने आसपास के भाग से काफ़ी ऊंचा हो लेकिन जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से कम 1000 मीटर या फिर उससे अधिक ऊंचा हो, तो उसे पर्वत कहा जाता है। तो इस तरह पर्वत पठार मैदानों की ऊंचाई निश्चित की गई है कि 350 मीटर से अधिक ऊंचे वाले भाग को मैदान, 600 मीटर से अधिक ऊंचे वाले भाग को हम पठार और 1000 मीटर से ज़्यादा ऊंचाई वाले भाग को पर्वत कहा जाता है। तो यह इनका एक पैमाना है, इतनी ऊंचाई कम से कम इनकी होना चाहिए तब हम उन पर्वत पठार और मैदान की संज्ञा दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।